आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। न्यू शाहगंज कॉलोनी में चिराग यूथ फाउंडेशन समिति के कार्यालय पर एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में चिराग यूथ फाउंडेशन के वार्षिक उत्सव की तैयारियों पर संगठन के पदाधिकारियों ने आपस में चर्चा की। चिराग यूथ फाउंडेशन काफ़ी वर्षों से लगातार वार्षिक कार्यक्रम करते चली आ रही है और उसको संदर्भ को लेकर आज बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग हम लोगों ने यहाँ पर रखी है। उसी मीटिंग को लेकर आज यहाँ पर चर्चा विस्तृत की जा रही है कि किस किस क्षेत्रों में हम लोग किस किस लोगों को चयनित करें। उसके लिए हम लोगों ने एक टीम बनाई है पूरी, जो खेल जगत में लोगों को लेके आएगी, जो शिक्षा क्षेत्र में लोगों को नाम निकालेगी और पत्रकारिता में लोगों को नाम निकालेगी। सिंगल बेटी का अवार्ड हम लोग देने जा रहे हैं और उच्च शिक्षा को लेकर जिन लोगों ने आगरा का नाम रोशन किया है आईएएस बनकर। और हम लोग काफ़ी टाइम से ये प्रोग्राम एनुअली करते हैं चिराग का, उसमें हम शिक्षा के रूप में, डॉक्टर के रूप में, मीडिया प्रभारी के रूप में काफ़ी 9 लोगों को अवार्ड दे रहे हैं, जो बड़े अवार्ड रखे हैं और छोटे अवार्ड जो नई सोच में हम लोग ला रहे हैं वो अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा और काफ़ी साल से हो रहा है ये प्रोग्राम। इसी देखिए, चिराग यूथ फाउंडेशन हर वर्ष की तरह आगरा की प्रतिभा को सम्मानित करता है। इस वर्ष के अंतिम सप्ताह के आगरा की प्रतिभाओं को चिराग यूथ फाउंडेशन आगरा रत्न अवार्ड 2021 में सम्मानित करने जा रहा है।